नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 14 जून है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हमारे पास दो मुख्य बिंदु हैं। पहला ये कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्य, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये जगह पे अगले 4 से 5 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और कुछ एक स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, खासतौर से आसाम, मेघालय और असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो उष्ण लहर और भीषण उष्ण लहर की स्थितियाँ उत्तर भारत में देखी जा रही हैं, वो आने वाले 4 से 5 दिनों में जारी रहने की संभावना है। अगर हम मानसून के आगे बढ़ने की बात करें तो मानसून जो है आने वाले 4 से 5 दिनों में कुछ और हिस्सों के महाराष्ट्र में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में और इसके साथ साथ कुछ हिस्से गंगे पश्चिम बंगाल, बचा हुआ हिस्सा सब वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्सा बिहार, उन सब पॉकेट्स में वहाँ तक पहुँचने की संभावना है मानसून के आने वाले 4 से 5 दिनों में। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अभी उत्तर भारत में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी बेल्ट जो उत्तर भारत की है, ये पूरी ही बेल्ट 42 से लेकर के 46 डिग्री सेल्सियस के भीतर टेम्परेचर दर्ज किए जा रहे हैं और कल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बक्सर बिहार में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये पूरी ही पॉकेट्स में जो लाल रंग और ऑरेंज कलर से, येलो कलर से दिखाई, पूरी बेल्ट में टेम्परेचर सामान्य से अधिक बने हुए हैं, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। और पहाड़ों पर खासतौर जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू का क्षेत्र जो है, वहाँ पर भी तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बने, इसलिए वहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियाँ देखी जा रही हैं। इन सब पूरे ही पॉकेट्स में कल हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, तो हमारे पास मुख्य रूप से जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं, एक पूर्वी बिहार के आसपास एक सर्कुलेशन है, इसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है वहाँ से लेकर के पूर्वी मेघालय तक एक ट्रफ लाइन है, ईस्ट वेस्ट ट्रफ। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम के आसपास है, एक ट्रफ लाइन रायलसीमा से लेकर के मध्य बंगाल की खाड़ी तक है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश। ये सब सर्कुलेशन और इन सब फेवरेबल स्थितियों की वजह से और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो मॉइस्चर लगातार मिल रहा है और पश्चिमी हवाओं की गति है यहाँ पर भी, पश्चिमी तट पर अभी तेज़ बनी हुई है, इसलिए इन सब स्थितियों को देखते हुए आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर भारी वर्षा की बात करें तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आज 24 घंटे के अंदर सब मेलन वेस्ट बंगाल सिक्किम में और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आसाम मेघालय में देखने की संभावना है। इसके अलावा भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी आज होने की संभावना रहेगी। भारी वर्षा कोंकण, गोवा, इंटीरियर महाराष्ट्र में खासतौर से मराठवाड़ा और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका का क्षेत्र, वहाँ पर भारी वर्षा आज हो सकती है और उत्तरी भाग जो तटीय आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर भी आज भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में हो सकती है। कल भारी वर्षा का परिमाण आसाम, मेघालय में और बढ़ेगा, खासतौर से मेघालय में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, आसाम में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल सिक्किम में भी होने की संभावना जारी रहेगी। इसलिए रेड कलर आज और कल सिक्किम के लिए, सम्मेलन वेस्ट बंगाल सिक्किम के लिए दिया गया है, ऑरेंज कलर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को दिया गया है और रेड कलर जो है असम, मेघालय को भी दिया गया है। इसके अलावा 16 तारीख की अगर हम बात करें तो 16 तारीख को भी ऑरेंज कलर अरुणाचल प्रदेश, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मेघालय, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आसाम और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल सिक्किम में होने की संभावना है। और भारी वर्षा की बात करें तो बहुत ज़्यादा वर्षा और किसी भूभाग में होने की संभावना नहीं है। 17 तारीख की अगर हम बात करें तो 17 तारीख को भी पूर्वोत्तर के राज्यों में एक्टिविटी बनी रहेगी, हैवी टू वेरी रेनफॉल सब वेलन वेस्ट बंगाल सिक्किम में, एक्सट्रीमली वेरी रेनफॉल आसाम मेघालय में और हैवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में होने की संभावना है। दक्षिण प्रांतीय भारत में 17 तारीख को भारी वर्षा का दौर खासतौर से केरला में देखने को मिलेगा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी वर्षा होने की संभावना 17 जून को रहेगी, उड़ीसा में भी भारी वर्षा और इंटीरियर महाराष्ट्र खासतौर से जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ पर भारी वर्षा और कोंकण गोवा में भी भारी वर्षा 17 जून को होने की संभावना है, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में भी 17 जून को भारी वर्षा हो सकती है। कमोवेश ऐसी स्थिति 18 तारीख को बिहार, पूर्वी बिहार में भी 18 तारीख को खासतौर से पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र है जो समवेलन वेस्ट बंगाल से लगा हुआ वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है, हैवी टू वेरी रेनफॉल सब सिक्किम में जारी रहने की संभावना 18 तारीख को भी है, एक्सट्रीमली वेरी रेनफॉल जारी रहने की संभावना आसाम मेघालय में भी है और भारी वर्षा का दौर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बने रहने की संभावना है। 18 जून को कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा हो सकती है, उड़ीसा और केरला में भी 18 जून को भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है।
अगर हीट वेव की बात करें तो आने वाले 4 से 5 दिनों में, खासतौर से 14 से लेकर के 17 जून तक, ये जो पॉकेट्स आप देख रहे हैं उत्तर भारत के, यहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ जारी रहने की संभावना है। अगर डे के हिसाब से देखें तो 14 तारीख को रेड कलर उत्तर प्रदेश और बिहार को दिया गया, ऑरेंज कलर पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल को दिया गया है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली को भी ऑरेंज कलर है, उत्तराखंड को ऑरेंज कलर हीट वेव की वजह से है, येलो कलर जम्मू डिवीज़न, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तरी जो राजस्थान का क्षेत्र वहाँ पर, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी उड़ीसा के लिए येलो कलर है। 15 तारीख को कमोवेश वैसी स्थिति है, 16 को भी कमोवेश वैसी स्थिति है। हालांकि बिहार में स्थितियाँ हीट वेव कम होने की संभावना पूर्वी भारत में 16 तारीख से दिखाई देती है, इसलिए सिर्फ झारखंड में, पूर्वी भारत में हीट वेव की स्थितियाँ, हालांकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में इस स्पेल बने रहने की संभावना है। पहाड़ों पर भी इस स्पेल हीट वेव का बने रहने की संभावना है। 17 तारीख को पूर्वी भारत से हीट वेव खत्म हो सकती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा पहाड़ों पर जम्मू डिवीज़न और हिमाचल प्रदेश में हीट वेव रह सकती है। 18 तारीख को भी कमोवेश वैसी स्थिति, हालांकि पहाड़ों पर एक्टिविटी वर्षा की जारी होने की संभावना है, इसलिए वहां पर हीट वेव 18 तारीख को समाप्त होने की संभावना है। तो आज हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये अपडेट है। अगर इसको समराइज़ करें तो हम ये बोल सकते हैं आने वाले 4 से 5 दिनों में पूर्वोत्तर के राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा और कुछ एक पॉकेट्स में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तरी भारत में हीट वेव की स्थिति आने वाले 4 से 5 दिनों जैसा कि अभी हमने दिखाया है और भी बने रहने की संभावना है, इसलिए यथास्थिति सावधानी बरतने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।